एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम जानकारी ले रहे हैं सप्तम भाव के बारे में। देखिए, ये है 3 नंबर की राशि, मिथुन लग्न है। लग्न का पहला भाव है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, इसलिए सप्तम भाव बोल रहे हैं। सातवें भाव ये केंद्र का भाव भी है, पहला, चौथा, सातवां, दसवां केंद्र भाव भी कहलाता है। तो हम आज सप्तम भाव के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो सप्तम भाव से हमें क्या जानकारी मिल सकती है, हमें अगर अपने जीवन में कुछ सप्तम भाव के बारे में क्या देखना चाहिए, कुंडली में सप्तम भाव से क्या देखा जाता है, तो इसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। सप्तम भाव जो है जीवन साथी का है, फिर काम का है, वासना का है, विवाह का है, आपका डेली जो व्यवसाय करते हैं उसके लिए है, मृत्यु का है, जननेन्द्रियों का है, जो सामने शत्रु हैं उनका है, साझेदारी का है। तो इस तरह से सप्तम भाव के बारे में जानकारी है। तो विवाह हो गया, सेक्स भी यहीं से देखेंगे, पति पत्नी के बारे में देखना हो तो यहाँ से देखा जाता है, वाणिज्य, क्रय विक्रय, व्यवहार आपका कैसा है वो यहाँ से देखते हैं, साझेदारी, मूत्राशय, सार्वजनिक, गुप्त रोग, विदेशों से संबंध जो हम बनते हैं उसके बारे में यहीं से देखा जाता है। तो इसे मारक भाव भी कहते हैं, सप्तम भाव को मारक भाव भी कहते हैं। तो सॉरी, तो इस तरह से हमने देखा कि सप्तम भाव जो कुंडली का रहता है तो उसका जो कारक भी है, अगर शुक्र है, अगर लड़की की कुंडली देखेंगे तो शुक्र को देखेंगे, और लड़की की कुंडली होगी या स्त्री जातक की कुंडली होगी तो उसके लिए जिसका कारक है गुरु, तो शुक्र और गुरु भी ये भी कारक है यहाँ पे। तथा सप्तम भाव का इस कुंडली में स्वामी बनता है, 9 नंबर की राशि है वो बृहस्पति है, गुरु बनता है। और इसके बाद में हम कारक देखें तो शुक्र यहाँ है और दूसरा कारक बृहस्पति यहाँ है। तो जब भी कुंडली का हम विश्लेषण करेंगे तो सप्तम, कोई बोलेगा हमारा विवाह का देखना है तो विवाह के लिए हमें सप्तम भाव देखना पड़ेगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम ये जातक जाति का मान लो है और उनकी कुंडली में हमें विवाह के बारे में देखने का है, तो हमें अभी जैसा आपको बताया कि सप्तम से हमने विवाह देखते हैं, विवाह का सुख कैसा मिलेगा उसकी जानकारी यहीं से मिलती है। तो इस वैवाहिक जीवन के बारे में सब कुछ महत्वपूर्ण, लड़ाई झगड़े, अलगाव, तलाक, गंभीर शारीरिक कष्ट जो देते हैं वो पति पत्नी के मृत्यु के योग यहाँ से देखे जाते हैं। तो बहुत से जो प्रश्न रहते हैं उनके उत्तर यहाँ से। तो अगर ये सप्तम भाव शुभ प्रभाव में होगा तो ऊपर बताए हुए सब शुभ फल प्राप्त होंगे, और अशुभ प्रभाव में सप्तम भाव रहेगा तो हम उसके अशुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। तो इस तरह से हम यहाँ से देख सकते हैं कि जातक का प्रेम विवाह का भी यहीं से देख सकते हैं कि विवाह होगा, सफल होगा या नहीं होगा, उसकी जानकारी यहाँ से मिल जाते। बुरे घरों के प्रभाव के कारण हमें जीवन में अनेक तरह की परेशानियाँ आती है, बार बार झगड़े होते हैं, तलाक तक की स्थिति बन जाती है। तो इस तरह से विदेश में अगर आपको रहना चाहते हैं तो विदेश में रहने के लिए भी स्थायी रूप से अगर आप वहाँ रहना चाहते हैं तो यहाँ से देखा जाता है। तो ये विदेश से भी जुड़ा हुआ घर है। शरीर के जो अंग यहाँ से प्रभावित होते हैं तो जनन अंगों का दर्शाता है, तथा जनन अंगों के संबंधी जो रोग होते हैं, गुप्त रोग होते हैं, उसका भी अध्ययन यहीं से किया जाता है। तो हम यहाँ आप इस कुंडली में हम देख रहे हैं कि ये मिथुन लग्न कुंडली है, लग्न में बृहस्पति बैठा है, यहाँ केतु दूसरे भाव में बैठा है, यहाँ ये पांचवा छठे भाव में चंद्रमा नीच का बैठा है, ये सातवां भाव है, यहाँ पे शुक्र मंगल शनि 3 ग्रह बैठे हुए हैं, और ये आठवां भाव है बुध और राहु बैठे हुए हैं, और नवम भाव में सूर्य बैठा है। तो जब भी कुंडली का विश्लेषण करेगा हमें विवाह के बारे में आप जानकारी के लिए हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए शुक्र जो है कला का, प्रेम का और वैवाहिक जीवन के सुख का कारक है, परंतु वो यहाँ मंगल और शनि से प्रभावित होने के कारण उसके प्रभाव को कम कर रहे हैं। तो वो बांधा डालेंगे, मंगल शनि जो है माया मांगलिक, मंगल यहाँ
मांगलिक योग बना के भी बैठा है, तो एक मांगलिक जातक जाति का मांगलिक कहलाएंगे। इसके हिसाब से शनि का काम है हर चीज में डिले करना, बाधा करता है। तो सप्तम में शनि जो रहेगा वो बाधा उत्पन्न कर रहा है यहाँ पे। तो सप्तम के यहाँ पे नीच के ग्रह है या शत्रु राहु ऐसे ग्रह हो जाते हैं, पाप प्रभाव में अगर सप्तम भाव में आता है तो इसके तो भी ये इसको सप्तम भाव को प्रभावित करता है। तो जैसे यहाँ राहु है, यहाँ पापी ग्रह नीच का ग्रह है, यहाँ और दूसरा भी कोई पापी ग्रह होता है कोई, तो ये सप्तम भाव पाप कर्तरी में आ जाता है, तो वो भी उसको प्रभावित कर रहा है। तो इस तरह से शुक्र जो है ये पंचम भाव का स्वामी होके यहाँ बैठा है, तो प्रेम का कारक भी है। तो जातक का प्रेम विवाह भी कराएगा, प्रेम विवाह करने के बाद प्रेम विवाह सफल भी नहीं होगा क्योंकि मंगल शनि के कारण वो बाद में लड़ाई झगड़े सब कोर्ट कचहरी सब होने के उसकी संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि आपकी कुंडली का अगर विवेचन करना है, विवाह के बारे में जानकारी लेना है, तो इसमें हमने बताया है कि किस तरह से बृहस्पति भी मंगल और शनि की दृष्टि से प्रभावित होके, तो हमने देखा कि नवम भाव का स्वामी तथा शुक्र ये सब मंगल शनि के प्रभाव में आने के कारण इसको भाव को खराब कर दिया है और हम विवाहित जीवन को पूरा डिस्ट्रॉय कर रहा है। इस तरह भी आप अपने कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं। आप अपने कुंडली में देखिए कौन सी भी राशि हो सकती है, वहां से लग्न से आप सातवें भाव तक तो आएंगे तो सप्तम भाव कहलाएगा, उसमें शुक्रों का प्रभाव होगा। अगर यहाँ कोई ग्रह नहीं होता या शुक्र होते हैं तो शादी आपकी अच्छी चलती है। इसके कारक अगर शुक्र मंगल भी पति पत्नी कुंडली में देखा जाते हैं, अगर वो शुक्र और बृहस्पति की अच्छी स्थिति होने पे शादी अच्छी चलती है। परंतु इस कुंडली का जो विश्लेषण किया हमने तो हमने देखा कि ये अच्छा संभावनाएं नहीं है। तो आपको अगर यहाँ से आप जिस तरह से हमने शादी के बारे में विश्लेषण किया, ऐसे ही हम कई हमें पार्टनरशिप करना है, तो यहाँ पे देखो मंगल शनि के प्रभाव के कारण आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते क्योंकि इसके ये मंगल जो है एक खराब ग्रह का मालिक है, देखिए ये, और ये दूसरा छठे भाव का मालिक होके यहाँ बैठा है, तो और शनि भी वहाँ बैठा हुआ है जो कि अच्छा आठवें भाव का मालिक है और 90वें भाव का मालिक है। तो ये शनि यहाँ शनि भी यहाँ अशुभ हो गया है क्योंकि ये आठवें भाव का मालिक है, मंगल भी छठे भाव का मालिक होके, तो आपका व्यापार वगैरह अगर आप किसी से पार्टनरशिप करना चाहेंगे तो वो भी आपकी नहीं चलेगी। तो पार्टनरशिप होने पे आपको प्रॉब्लम होगी और धोखा मिलेगा, उसमें भी मुकदमेबाजी तक आपका व्यापार का जो पार्टनरशिप है वो चली जाएगी। तो इस तरह से हम व्यापार भी देखते हैं। तो विदेश में बसना है तो उसको देखते हैं, अगर इसका संबंध विदेश से होता है तो विदेश जा सकते हैं। तो इस तरह के लोगों को विदेश में जाने के लिए आपका तीसरा नवा भाव और 12वां भाव का संबंध अगर यहाँ बनता है तो विदेश में व्यक्ति जा सकता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि शुक्र जो है विदेश का मालिक होकर यहाँ बैठा हुआ है, तो विदेश से जा सकते हैं आप इस तरह से आप विदेश को भी देख सकते हैं। और शनि मंगल जो है मुकदमेबाजी वगैरह जो कोर्ट कचहरी का काम के कारण इनको यहाँ से देखा जाता था, मंगल से लड़ाई झगड़ा देखा जाता था वो यहाँ से देखे। तो जो भी हमने आपको बताया कि सप्तम भाव से हम क्या क्या देख सकते हैं, शत्रु देख सकते हैं, जीवन साथी देख सकते हैं वो देखा हमने, इसमें विवाह के बारे में हमने देखा, हमारा दैनिक व्यवसाय भी अगर इनके कारण अच्छा नहीं चलेगा क्योंकि इसके कारण बार बार हमको व्यवसाय मिलेगा और वो हमको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और इस तरह से ये भाव प्रभावित होने से जो भी रोग हैं वो भी हमको देंगे, मंगल शनि शुक्र के रोग जो हैं वो होंगे। तो प्रेम विवाह का भी देखा, वैवाहिक जीवन का देखा, व्यापार का देखा हमने, इस तरह के सब अगर ये सब शुभ प्रभाव में अगर सप्तम भाव होगा तो इसके अच्छे फल प्राप्त होंगे। और इस जैसा कि यहाँ सब प्रभाव अच्छे नहीं है तो हमको ये न तो साझेदारी में काम करना चाहिए और वैवाहिक जीवन के लिए हमें ये देखा परेशानी दिख रही है। एक तो मांगलिक होने के कारण परेशानी है, शनि शादी नहीं होने दे रहा है वो देख रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आप भी अपने कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं। तो
मैं एस्ट्रोलॉजर हौसीलाल चौरे, मेरा मोबाइल नंबर है 9893234239। अगर आपको टेलीफोन से परामर्श लेना चाहे तो मामूली दक्षिणा के द्वारा आप ले सकते हैं। आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी इसकी जानकारी दीजिए। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी आप क्लिक कर दीजिए, जिससे कि जब भी मेरे वीडियो अपलोड होंगे तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।